नमस्ते दोस्तों, मेरे पाँच मिशली रान्नाघर में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही इजी रेसिपी, चावल और दाल के पेस्ट के बिना ही सूजी का बना हुआ सोरू चकली। ये एक बंगाली रेसिपी है, तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप का एक कप सूजी ले लिया है, ये लगभग 200 ग्राम तक होगा। इसको मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है और उसके बाद जितना सूजी उतना ही पानी लेना पड़ेगा, तो मैंने उतना ही पानी लिया है और वैसे ही मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसका एक पेस्ट बना लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है, अब इसको एक बाउल में मैं डालूँगी। यह अभी थोड़ा घना है इसलिए मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के जितना भी बचा कुचा लगा हुआ रहता है उसको धो के मैं इसमें डालूँगी, तो उससे ये थोड़ा पतला भी होगा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा चीनी डालेंगे। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ नारियल डालेंगे। ये 3 टेबलस्पून तक मैंने नारियल डाला है, बड़ा चम्मच, 3 बड़ा चम्मच। सब कुछ डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला करने के लिए। ज़्यादा घना होगा तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक का फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐसे ब्रश कर दूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी छिड़क के इसको टिश्यू पेपर से हम पोंछ लेंगे। गैस की फ्लेम को अभी लो में ही रखना है। उसके बाद जो बैटर हमने बनाया था उसको ऐसे एक बार डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे चारों ओर। देखिए ऐसे फ्राई पैन को पकड़ के धीरे धीरे घुमाते हुए इसको अच्छे से फैला देंगे फ्राई पैन में। ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप लोग ज़रूर एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए इसका एक साइड थोड़ा सा पक चुका है, इसको ज़्यादा मत हिलाइएगा, अब बीच में से अभी भी कच्चा हो सकता है तो टूट भी सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे आप हल्के हाथों से इसको ऐसे पलटिएगा। देखिए अभी थोड़ा और ज़्यादा पक चुका है, तो अभी ऐसे पलट दिया मैंने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कच्चा रहता तो फिर बीच में से टूट जाता। देखिए अब पक चुका है, इसको मैंने हटा लिया है और एक बार और मैं बैटर को डाल के ऐसे घुमाते हुए एक और मैं सोरू चकली बना लूँगी। ऐसे ही आप लोग सोरू चकली बना के गुड़ के साथ भी खा सकते हैं। स्पेशली अभी सर्दियों के मौसम में गुड़ के साथ ही खाने को अच्छा लगेगा, और या फिर किसी भी सब्ज़ी के साथ या फिर अचार के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नई रेसिपी लेके आऊँ सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए।